मानगढ़ के टाउन स्थित लॉ कॉलेज में 22 से 26 जून तक आयोजित होने वाली 36वें महिला फेडरेशन कप के दूसरे दिन शनिवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद से आयुक्त राकेश मेहंदीरत्ता व भाजपा महिला मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष शिमला मेहंदीरत्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर व फुटबॉल खेलकर समारोह पूर्वक उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव अमित काशनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम को 2 मैच खेले गए, जो झारखंड व पूर्वांचल के मध्य खेला गया, जिसमें झारखंड की टीम 4-0 से विजेता रही। दूसरा मैच दिल्ली व राजस्थान के मध्य खेला गया, जिसमें 6-5 से राजस्थान की टीम विजेता रही। और आज शनिवार को 3 मैच खेले गए, जिसमें प्रथम मैच उत्तराखंड व NCR के मध्य खेला गया, जिसमें NCR 2-1 से विजेता रही। दूसरा मैच क्वींस अकेडमी हनुमानगढ़ में पूर्वांचल के मध्य खेला गया, जिसमें क्वींस अकेडमी 4-0 से विजेता रही। और तीसरा मैच यूपी व हरियाणा के मध्य खेला गया, जिसमें हरियाणा 2-1 से विजेता रही। तो वहीं उन्होंने बताया कि कल रविवार से क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इस अवसर पर राजस्थान महिला फुटबॉल महासंघ के जनरल सेक्रेटरी शाबिर अली खान, राजस्थान महिला फुटबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जोया, जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह रोमाणा, राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अहमद सिंह पडिहार, जोधा सिंह, प्रदेश सचिव अमित काशनिया, आयोजन समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण गोल्यान, रोहिता शहू, यूनिस अहमद, रणवीर सिंह राणा। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके।